हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन, यानी कि कंप्यूटर्स के 25 क्वेश्चंस मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। ये आपके नेक्स्ट आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो बहुत काम आने वाले हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे करंट में आया हुआ एमपी पटवारी हो, आप इन क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को समझ लीजिए। और मैं यकीन गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एज इट इज़ ये इनमें से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले नंबर वन क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में कंट्रोल प्लस जी यानी कि कंट्रोल जी का क्या मतलब है। तो देखिए, इसका आंसर होगा यहाँ पर सी आप जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि गो टू टैब को एक्टिवेट करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। ओके, तो कंट्रोल जी का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेट गो टू टैब, ये याद रखिए यहाँ पर। एंड द सेकंड क्वेश्चन है, एंड नोट तथा फुट नोट के मध्य क्या अंतर होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ गारंटी से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप भी फेस कर रहे होंगे, इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। आपको इन क्वेश्चंस में से एक या दो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में ज़रूर मिलने वाला है। तो एंड नोट तथा फुट नोट के मध्य क्या अंतर होता है। तो देखिए, एंड नोट और फुट नोट के अंत में स्थित नोट्स की एक सीरीज होती है और डॉक्यूमेंट्स के अंत में होता है, ठीक है ना, एंड नोट का मतलब। और फुट नोट का मतलब होता है कि पेज की तली में स्थित नोट्स की सीरीज होती है। तो सीधा सा बात है, एंड का मतलब आखिर में, तो डॉक्यूमेंट्स के अंत में हो गया, और फुट का मतलब पैर यानी कि नीचे, तो डॉक्यूमेंट्स के नीचे की सीरीज हो गई, ठीक है ना। तो सिंपल है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, www, चारवा www आया, ये इसका मतलब क्या होता है, स्टैंड्स फॉर। तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म है ना, आपने तीन बार W देखा होगा, वर्ल्ड वाइड वेब किसी भी वेबसाइट के डोमेन से पहले होता है, लेकिन यहाँ चौथा W का मतलब है वॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है, SDLC का संक्षिप्त अर्थ क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म बताना है। तो SDLC क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है ना, SDLC का ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब अगला है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये जो शॉर्टकट कीज हैं और फुल फॉर्म है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में आता है, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं यहाँ से। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग किया जाता है, किस लिए, कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर पहुँचाने के लिए, ठीक है ना। कोई भी वर्ड है, अब कर्सर वहाँ पर हो सकता है दाईं ओर हो, और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाओगे वो बाईं ओर पहुंच जाएगा कर्सर, है ना, सिंपल, तो याद रखिएगा इसको। अगला है क्वेश्चन, लाइनेक्स तथा यूनिक्स में, MS-DOS, लाइनेक्स तथा यूनिक्स में कमांड वोमी आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट करती है। देखिए, लाइनेक्स, MS-DOS, यूनिक्स, ये किसी ने नहीं पढ़ा आप में से ज़्यादातर लोगों ने, है ना, ये जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की CSID वाली चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, याद रख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक क्या प्रिंट करती है, वोमी कमांड। तो ये जो है लॉगिन किए हुए प्रयोक्ता की प्रभावी यूज़र आईडी प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करता है, यूज़र आईडी, याद रखिएगा। और किसकी यूज़र आईडी, लॉगिन किए हुए प्रयोक्ता की, ठीक है ना, यूज़र की, प्रिंट द इफेक्टिव यूज़र आईडी ऑफ लॉग्ड इन यूज़र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर लाइनेक्स में VI वाया एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका अपरकेस R, ठीक है ना। एक बार फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, लाइनेक्स में VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग, कमांड पूछा है, कौन सी कमांड, टेक्स्ट, किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। तो जो टेक्स्ट होता है यानी कि जो फॉन्ट होती हैं उनको कर्सर से दाईं ओर अगर उनको शिफ्ट करना है, कर्सर के दाईं ओर पूरे के पूरे वर्ड को या टेक्स्ट को उठा के रखना है, तो उसमें अपरकेस R का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, दाईं का मतलब राइट साइड होता है, इसलिए अपरकेस R। अगला क्वेश्चन है, HTML पेज के बैकग्राउंड के रूप में ब्लैक रंग को सेट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए दोस्त, HTML में ज़्यादातर वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं, HTML और PHP में, तो उनमें जो आप वेबसाइट पर स्क्रीन पर जो कलर देखते हैं उनका, वेब पेज का,
उनमें तमाम कलर जो है वो HTML कलर कोडिंग में डिफाइन किए जाती हैं। तो यहाँ पर ब्लैक रंग का कोड पूछा है आपसे, तो ब्लैक रंग का कोड हो जाएगा बॉडी बीजी कलर हैश 0 आएगा 6 टाइम, ठीक है ना। तो HTML कलर जो है वो हैश के बाद 6 अंकों की कलर कोडिंग होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो है करेक्ट आंसर लिखा हुआ है बॉडी कलर इज इक्वल टू हैश 6 टाइम 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS DOS में ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए ट्री कमांड का उपयोग किया जाता है। किस कमांड का? ट्री का, ठीक है ना। यानी कि इसको याद रखने का ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे ट्री पर चढ़ गए तो वहाँ से ऊंचाई पर से आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है ना। बस याद रखना है आपको, और कुछ नहीं है इसमें। अगला है MS Word वर्जन 2007, है ना, MS Word 2007 की बात हो रही है और इसके बाद वालों की बात हो रही है। उनमें क्या है, निम्न में से क्या एक टॉपिक के टेक्स्ट को अन्य टॉपिक या बुकमार्क से कनेक्ट करते हुए एक ही डॉक्यूमेंट के अन्य भागों से लिंक करने की सुविधा है। तो इसमें क्या होता है, इस सुविधा को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि जैसे एक टॉपिक है और या कुछ अन्य टॉपिक हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बुकमार्क कर लो और कनेक्ट करते हुए एक अन्य डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक कर दो, तो इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या राउटर फंक्शन का वर्णन करता है। तो राउटर फंक्शन का जो है वर्णन करता है पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, इंटरनेट कम्युनिकेशन और उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राउटर देखिए, घर में जैसे वो लगा रहता है ना, आपका जो वाईफाई डिवाइस जो लगा रहता है घर में इंटरनेट का, तो वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग और इंटरनेट कम्युनिकेशन, तो ये सभी इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के संबंध में शब्द 10/100 का संबंध निम्न में से क्या होता है। 10/100 इसका मतलब होता है, ये इंटरनेट स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर, इसका मतलब होता है मेगाबाइट्स प्रति सेकंड, ठीक है ना। क्या होता है, मेगाबाइट्स प्रति सेकंड या एमबी पर सेकंड, कितने एमबीपीएस की स्पीड आ रही है ना। जैसे हम कहते हैं 1 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, तो उसको 10/100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, डिफाइन करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, पैसिव कमांड डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को क्या प्रदान करती है। पैसिव कमांड डायनेमिक राउटिंग को क्या प्रदान करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये इंटरफेस को पीरियोडिक डायनेमिक अपडेट्स प्रेषित करने से रुकती है, लेकिन प्राप्त करने से नहीं। देखिए बहुत सिंपल है, इसको अगर मैं समझाऊं यहाँ पर, तो जो क्या है, जो इंटरफेस होता है, तो सेंडिंग जो होती है उसको तो वो रोक देता है, क्या, पैसिव कमांड, कि आप किसकी सेंडिंग को रोक रहा है वो। तो जो इंटरफेस का जो पीरियडिक डायनेमिक अपडेट्स होती है उसकी सेंडिंग को तो रोक देता है, लेकिन वो रिसीव करने से नहीं रोक पाता, सिंपल सी चीज़ है। तो इसीलिए इसको यहाँ पैसिव कमांड जो है वो यहाँ पर आपको याद रखना है। निम्न में से, अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या स्लाइड शो प्रोग्राम नहीं है। तो MS पावर पॉइंट में देखिए स्लाइड शो बनती हैं, स्लाइड शो, ठीक है ना, जैसे प्रेजेंटेशन में काम आती हैं, और कीनोट में भी बनती हैं, और गूगल स्लाइड में भी बनती हैं, सफारी में नहीं बनती, सफारी ब्राउज़र है, उसमें स्लाइड शो कैसे बनेंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, HTML का उपयोग क्या क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो HTML का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, मैंने अभी भी उससे पहले भी डिस्कस किया था आपने, कि ज़्यादातर जो अपने वेब पेज होती हैं, वेबसाइट जो होती हैं, वो HTML में कोडिंग होती हैं उनकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिनक्स में फाइल्स चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता, ये पूछा है उसने, नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा IS चैप 124 का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, इसको याद करना है आपको। तो कैसे याद करेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 से 124 बन गया, है ना। अब 124 कौन सा है, IS चैप, है ना, चैप और चैप्टर, ठीक है ना, याद रखना है, सिंपल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2007 विंडो में किस एरिया में वैल्यूज एंड फॉर्मूले इंटर किए जाते हैं। तो अगर आपने एक्सेल 2007 अगर आपने चलाया है, तो उसमें वैल्यूज और फॉर्मूले कहाँ एंटर किए जाते हैं। तो अगर आपने एक्सेल 2007 चलाया है, तो आपको वैल्यूज और फॉर्मूले कहाँ एंटर किए जाते हैं, उसमें फॉर्मूला बार में ऊपर जो होता है, आप एक्सेल ओपन करके देखिएगा तो आपको उसको वहाँ दिख जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। चलिए क्वेश्चन 18 है, ईमेल सर्वर क्या होता है। तो यह ईमेल सर्वर देखिए सब जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस की तरह है, काम करता है, वहाँ से अपन जैसे चिट्ठी भेजते थे, अब मेल भेजते हैं, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विवरण मेन फ्रेम कंप्यूटर को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आंसर
क्या होगा। सभी के सभी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हैं, तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर को प्रभावित करता है, तो उसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठनों की क्रिएटिल एप्लीकेशन को जो है उनका डेटा प्रोसेस करता है। इसके अलावा एक तेज़ कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना, इसमें सारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बहुत ही स्पीड के साथ होती हैं और बड़ी मात्रा में एक साथ की जा सकती हैं। और साथ ही साथ मेन फ्रेम एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है और सेंड करता है वो रिसीवर तक, ठीक है ना। यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक तरह से जैसे इंटरनेट या और भी कोई बड़ा, ठीक है ना, कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर जैसे हम कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या पता लगाना चाहते हैं कि विंडो एनटी सर्वर कंप्यूटर पर इस समय कौन सा प्रयोक्ता विशिष्ट डायरेक्टरी का उपयोग कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे। अब देखिए, किसी भी सर्वर पर कोई जो है वो क्या वेबसाइट जो है सर्व कर रहा है या क्या देख रहा है, इसको आपको अगर पता करना है तो कौन इस किसके पास इसकी अथॉरिटी है। इसके पास अथॉरिटी है केवल सर्वर मैनेजर की, यानी कि जैसे कि आप अगर आइडिया का इंटरनेट चला रहे हैं मान लीजिए, तो आइडिया का जो सर्वर मैनेजर है उसी को अथॉरिटी है कि आप क्या देख रहे हैं, उनको मालूम होता है ना दोस्तों। लेकिन वो जो है वो ओपन नहीं किया जाता आपकी प्राइवेसी के अधिकार के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संदेश को वापस मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो किस प्रोटोकॉल का, ICMP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है आपके संदेश को वापस मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए, ना रिवर्स करने के लिए। क्वेश्चन 22 है, MS Word 2007 की स्क्रीन पर हॉरिजेंटल स्लिप्ड बार कहाँ पाए जाते हैं। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार जो होता है उसके शीर्ष पर, है ना, उसके टॉप पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी बफर रजिस्टर MBR, है ना, ये क्या है, तो ये यहाँ पर बताना। तो MBR होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, नाम से स्पष्ट है। इसमें MAR द्वारा रीड के बाद या मेमोरी के नए कंटेंट राइट से पहले जो है वो सेंड किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं और उसके बाद सेंड किए जाते हैं, ठीक है ना, मेमोरी लोकेशंस की इस तरह से। अब अगले क्वेश्चंस की जैसे बात करें, तो MS Excel 2007 में रो और कॉलम दो चीज़ें होती हैं आपने अगर चलाया है तो, ठीक है ना, कॉलम जो खड़े हुए और रो जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो ब्लॉक्स हो, इनको रोकने के लिए जिससे विस वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो, निम्न में से किस पर क्लिक करना होता है। तो व्यू टैब के फ्रीज पेंस कमांड पर आप क्लिक कर दीजिए और ये स्क्रॉल होना बंद हो जाएंगे। और आखिरी क्वेश्चन है आज का, MS PowerPoint वर्जन 2010 टेम्पलेट फाइल का विस्तार क्या है। तो MS PowerPoint का विस्तार जो है वो जैसे .POTX होता है, ठीक है ना, जैसे .XML होता है, इसी तरह से अलग अलग फोल्डर उसका जो है, MS Excel का, MS Word का, MS PowerPoint का, इनका अलग अलग एक्सटेंशन होता है। तो MS PowerPoint का पूछा है यहाँ पर, तो .POTX, ओके। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके नज़दीक जो बेल आइकन उसे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही कंप्यूटर और मैथ्स के वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। थैंक यू, गुड बाय।